जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमपीपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है, इसमें हम एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन आपका जो मेंस का पेपर 3 है जिसमें यूनिट 9 आपका एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी दिया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कभी भी अलग अलग नहीं होती। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर दे जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आज हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल जैसा कि आपको पता है कि रिलेटेड टू स्थल होता है। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एक्वेटिक इकोसिस्टम बाय अ लोअर एबिलिटी ऑफ वाटर एंड द कंसीक्वेंट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एज ए लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपके लिए आ सकती है, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं आपके प्रीलिम्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होता है, मेंस में 3 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है, या आपका जो इससे बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आ सकता है। तो अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो वो आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम से किस तरह डिफरेंशिएट किया जा सकते हैं, इस बारे में बात की गई है। तो जहां पे पानी बहुत कम अवेलेबल, पानी बहुत, छोटे छोटे पॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, छोटी छोटी लेक्स हो सकती हैं, ठीक है, तो जहां पे अवेलेबल होंगे, क्योंकि ऐसा कोई स्थल नहीं होगा रेगिस्तान के अलावा जहां पे पानी नहीं होता है, तो उसको हम काउंट करते हैं किसमें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेटर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ऑन बोथ डाइअर्नल एंड सीजनल बेसिस देन ऑकर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। बिकॉज आपको पता है कि आपका जो अर्थ होता है, ठीक है, आपकी जो अर्थ मतलब जो आपकी पृथ्वी होती है वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी होती है, इसलिए डायर्नल बोल रहा है जो डेली का चेंज होता है, और सीजनल बोल रहा है इसमें सीजनल चेंज होता है। सीजनल मतलब जैसे कि आपका ठंड गर्म बारिश जो होती है वो सीजनल होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका कहाँ पे होता है, आपके अर्थ भी होता है, बिकॉज आपको पानी को गर्म होने में टाइम लगता है और ठंडे होने में टाइम लगता है, बट आपकी धरती जो है, ठीक है, आपका जो जमीन है वो जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए बोल रहा है कि इसमें फ्लक्चुएशन जो होता है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर बात करें कि सिमिलर अगर क्लाइमेट की बात करें, बिकॉज वाटर हैज ए हाई स्पेसिफिक हीट, ए हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड ए हाई हीट ऑफ फ्यूजन कंपेयर्ड विद द एटमॉस्फेयर, ऑल ऑफ व्हिच टेंड टू एमेलियोरेट थर्मल फ्लक्चुएशन। क्या रीजन है, एक रीजन है आपका कि हाई स्पेसिफिक हीट होती है, वाटर बहुत देर तक स्टोर कर सकता है, वाटर बहुत देर तक स्टोर करता है हीट को, हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा हीट होने पर वेपराइज हो जाएगा, हाई हीट पे आपका क्या होगा कि पानी जो है इधर उधर चले जाएगा, बट धरती में वो चीजें नहीं हो सकती है। तो इसीलिए बोल रहा है कि यही डिफरेंस है थोड़ा सा इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम आप बोलते हैं, कि उनमें जो होता है वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इसको ध्यान में रखेगा प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो ज्यादा होता है। और दूसरा क्या अगर बात करें, दूसरा क्या करें, वाटर की जो क्वांटिटी, अगर बात करें वाटर की क्वांटिटी, कि आपकी जो लाइट होती है सनलाइट वो आपकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज्यादा पड़ती है, आपको पता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है आपकी आपके अर्थ के ऊपर आपका सिर्फ एटमॉस्फेयर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें सिर्फ गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो धूप जो आपकी सनलाइट होती है उससे ज्यादा रोक नहीं पाती, लेकिन पानी जो होता है पानी में ज्यादा अंदर तक सनलाइट नहीं जा पाती, इसीलिए जो आपके प्लैंकटॉन्स होते हैं वो ज्यादा नीचे नहीं रहते, वो 6 मीटर से 7 मीटर तक रहते हैं जहाँ तक आपकी सनलाइट आराम से पहुंच सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बोल रहे हैं, तीनों डिफरेंस ध्यान रखिए, और दैवा में भी आ सकता है। आपका जो गैसे होती है आपकी, ठीक है, किसमें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक तो आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस मतलब होता है आपका प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं उनके लिए आपको CO2 चाहिए, वो आपको मिल जाता है। दूसरा आपको होता है ऑक्सीजन, किस लिए, एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब हो गया जो आप लोगों को सांस लेने के लिए चाहिए, ठीक है, सांस लेने के लिए जो आपको चाहिए वो ऑक्सीजन भी मिल जाती है आपको टेरेस्ट्रियल में। उसका नाइट्रोजन हो जाता है जो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन काम इसलिए क्योंकि आपका जो प्रोटीन होता है बॉडी के लिए, जो प्रोटीन होता है जिसके आपके टिश्यूज बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन सेल्स, तो वो किस तरह बनता है, अमीनो एसिड से,
अमीनो एसिड से, ठीक है। अमीनो एसिड मतलब फिक्सेशन कैसे होगा, जो आपका N2 नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में होता है, उसको ही जब हम लोग क्या कहते हैं फिक्सेशन करते हैं, थ्रू किसके होगा ये फिक्सेशन, किसके थ्रू होगा, बैक्टीरिया के थ्रू हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ रखा है नाइट्रोजन साइकिल, इसके पहले जो वीडियो आप देखें उसको पढ़ रखा है, तो बैक्टीरिया के थ्रू हो जाएगा, उसको कन्वर्ट कर देता है आपका अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वही अमोनिया हमारे लिए फिर बाद में प्लांट्स कन्वर्ट करके उसको दे देते हैं हमें, और हमारा जो टिश्यूज होता है बॉडी का वो प्रोटीन से बनता है। इसलिए तीन चीजें हमें जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मिल जाती है। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की, तो इसमें दो आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को दो तरह डिवाइड कर सकते हैं, एक डिवाइड कर सकते हैं आप सब टेरेनियन पोर्शन में, एक डिवाइड कर सकते हैं एटमोस्फेरिक पोर्शन में। सब टेरेनियन पोर्शन मतलब फ्रॉम विच मोस्ट वाटर एंड आयन्स आर ऑब्टेन, सब टेरेनियन मतलब जहां से मैक्सिमम वाटर और आयन्स जो है आपके प्राप्त किए जा सकते हैं, और एटमॉस्फेरिक पोर्शन से जहां आपकी गैसेस, ठीक है। सब ट्रेनियन पोर्शन में आपका कहां क्या आ जाएगा, सब ट्रेनियन पोर्शन में आपका क्या आ जाएगा, पॉन्ड्स आ जाएगा, ओसीन आ जाएगा, ठीक है, इवन आपका मिनरल्स वाले रॉक्स आ जाएंगे, ठीक है, हर चीज में आ जाएगी। तो जो जमीन से रिलेटेड है वो सब ट्रेनियन हो गया, जहां से आपको वाटर आयन्स मिल जाएंगे, और उसका एटमॉस्फेयर से आपको क्या मिल जाएगी, गैसेस मिल जाएंगी, ठीक है। और द फिजिकल एनर्जी ऑफ लाइट इज ट्रांसफर्ड टू ऑर्गेनिक एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन पाउंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस से इनऑर्गेनिक चीज जो होती है वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद वो यूज हो जाती है आपके शरीर के लिए, बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये आप दो तरह डिवाइड कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कितने, ब्रॉडली हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के चार पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, कितने टाइप में, फोर टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। इन फोर टाइप्स में सबसे पहले आपका फॉरेस्ट पढ़ते हैं, दूसरा ग्रासलैंड पढ़ते हैं, तीसरा डेजर्ट पढ़ते हैं, और चौथा टुंड्रा पढ़ते हैं। आप लोग जो सोच रहे होंगे इसको देखिए और भी डिवाइड कर सकता है, वो इसके सब पार्ट होते हैं, वो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट बायोडाइवर्सिटी आने वाला है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा ब्रॉड में पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को, चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डेजर्ट में और टुंड्रा में। देखिए करके पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जंगल आपको पता है, फॉरेस्ट आर द लार्ज एरिया सपोर्टिंग द रिच ग्रोथ ऑफ ट्रीज, जहां सबसे ज्यादा ट्रीज होते हैं, रिच ग्रोथ ऑफ ट्रीज होते हैं, उसी को फॉरेस्ट कहा जाता है। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड टाइप ऑफ ट्रीज, दे आर जनरली ग्रुप्ड इनटू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीजस फॉरेस्ट, बरियल और नॉर्थ कोनिफरस फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसको जनरली हम क्लाइमेट के हिसाब से अगर डिवाइड करें तो हमको तीन तरह डिवाइड करते हैं, एक आपका डिवाइड करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, एक आपका टेम्परेट डिसीजस फॉरेस्ट में, एक बरियल या नॉर्थ कोनिफरस फॉरेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे तो 7-12 टाइप के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ ये तीन टाइप का पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीजस फॉरेस्ट और बरियल और नॉर्थ कोनिफरस फॉरेस्ट। तो फर्स्ट अगर पढ़ें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर फाउंड इन द हाई रेनफॉल एरिया और आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर जो आपका बीच वाली लाइन होती है इसके आइदर साइड, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट जैसे आपको पता है केरला, जहां बहुत बारिश होती है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लें हम कर्नाटक की, महाराष्ट्र की बात कर लें, तो ये तीन चार स्टेट जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वेस्टर्न घाट के साइड में, तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आपका, और या तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन, जो आपका साउथ ईस्ट एशिया रीजन जहाँ पे आपका क्या आ जाता है, आपका इंडोनेशिया आ जाता है, आपका सिंगापुर आ जाता है, या आपका अब बात करें यहाँ पे हम तो आपका कंबोडिया आ जाता है, लाओस आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, वही साउथ ईस्ट एशियन कंट्री यहाँ पे, वहाँ पे या अफ्रीका के कुछ पार्ट और साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। हमारे लिए इतना जरूरी है कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। और अगर क्लाइमेट की बात करें तो इसमें करीब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होना चाहिए, ठीक है। बारिश को आपको पता है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया का एवरेज रेनफॉल कितना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया का एवरेज रेनफॉल बताइए और मध्य प्रदेश का एवरेज रेनफॉल कितना है, दोनों चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो जहां पे हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी होगी और करीब 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा हर साल, और सॉइल जो होगी ह्यूमस होगी, तो किस क्लाइमेट में जहाँ पे आपका सबसे ज्यादा बारिश होगी आपको ध्यान रखना है कि बारिश करीब 200 सेंटीमीटर तक, और वही ज्यादा बारिश होती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से आपका इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से आके इवेपोरेशन की वजह से ही आपकी बारिश होती है। अगर फ्लोरा एंड फौना की बात करें, फ्लोरा एंड फौना का मतलब हो गया आपका पेड़ पौधे और जानवर, ठीक है। फ्लोरा का मतलब हो गया ट्रीज, उससे रिलेटेड जो भी ट्री है, और फौना का मतलब हो गया एनिमल्स, ठीक है। तो फ्लोरा फौना की बात करें तो यहाँ पे बहुत रिच डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसमें आपका ब्राजीलियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपका जो साउथ अमेरिका का सबसे ऊपर वाला पार्ट है ब्राजील, जहाँ पे आपका अमेजन रिवर, अमेजन जंगल पड़ता है, सबसे जो वर्ल्ड का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा जंगल है,
तो इसीलिए आता है ब्राजीलियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ करीब 300 स्पीसीज ऑफ ट्री पाई जाती है और करीब 200 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, ठीक है, 200 स्क्वायर किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। और ट्री जो है करीब 50 से 60 मीटर हाइट की यहाँ पे होती है, और ये बहुत सारी एपिफाइट्स जो होती है, एपिफाइट्स आपकी होती है जो आपकी लताएं वाली पेड़ होते हैं जो किसी पेड़ पर चढ़ जाती है, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा आपने पेड़ के ऊपर चढ़ती है, तो उसी तरह की जो क्रीपर्स होते हैं उसको एपिफाइट्स कहते हैं या उसको क्रीपर्स भी कहा जाता है। दिस फॉरेस्ट आर रिच इन ट्री डवेलिंग एनिमल्स, यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सके, जैसे आपके पंखी हो गया, उड़ने वाली गिलहरियां हो गई, फ्ली हो गई, स्नेल्स हो गए, सेंटीपीड्स हो गए, मिलीपीड्स हो गए और बहुत सारे इंसेक्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बस इतना आप इसको ध्यान रखिएगा फ्लोरा फौना में कि आपको यहाँ पे 50 से 60 मीटर के हाइट के पेड़ होते हैं, एपिफाइट्स पाए जाते हैं। एपिफाइट्स क्यों पाए जाते हैं, इसका रीजन समझिए, जो ऐसे आपका कोई घना पेड़ है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा जंगल है जो घना है, ठीक है, तो वो सनलाइट को नीचे आने नहीं देता है, वो सनलाइट को नीचे आ जाता है, अगर नीचे वाले पेड़ के ऊपर जाएंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, नीचे वाले पेड़ क्या करते हैं, वो ऊपर चढ़ जाते हैं पेड़ के ऊपर, जिससे उनको प्रॉपर सनलाइट मिल सके और वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। इसलिए ये पेड़ जो ऊपर चढ़ जाते हैं, ये मोस्टली आप देखेंगे जो आपका जहाँ पे बहुत ज्यादा छाव होती है वहाँ वाले पेड़ नीचे आ जाते हैं। इसका सेकंड नंबर है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के, ठीक है, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, दे ऑकर मोस्टली इन द नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, में बात करें ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ चाइना, कोरिया, जापान, फॉर ईस्टर्न रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आए ये कहाँ पे पाए जाएंगे, इसको हम आपको मैप में दिखा रहे हैं किस जगह पे पाए जाएंगे। ट्री ऑफ डिसीडियस फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स इन ऑटम एंड न्यू फॉरेस्ट ग्रोथ इन स्प्रिंग, मतलब आपका पतझड़ में जो लोग पत्ते गिरा देते हैं और फिर आपका बसंत ऋतु जो आती है तो फिर उसमें पत्ते आ जाते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो मॉडरेट क्लाइमेट जहाँ पे 10 से 20 डिग्री लगभग टेम्परेचर रहता हो और करीब 6 महीने तक लॉन्ग विंटर रहता हो, ठीक है, लॉन्ग विंटर 6 महीने तक रहता हो, तो आपको थोड़ा सा पोलर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। जो टेम्परेट एरिया होता है ना आपका, टेम्परेट मतलब 23.5 डिग्री से आपका 6.5-6 डिग्री के बीच का जो एरिया दोनों साइड पे होता है उसको टेम्परेट बोलते हैं, तो उसी में करीब एनुअल रेनफॉल करीब 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ब्राउन सॉइल होती है, ठीक है, जैसे आपका नॉर्मली इस एरिया में क्या होता है, हम लोग के ट्रॉपिकल एरिया में ब्लैक सॉइल होती है, यहाँ पे ब्राउन सॉइल होती है, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना की थोड़ा बात कर लें, यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना जैसे पुदार का पौधे और जानवरों की बात करें, इनका नाम आपको याद रखना सिर्फ समझना है, ओक ट्री, बीच ट्री, हीट ट्री, चेस्टनट जो होते हैं, बिर्च, जिनके जिन पर बिर्च पे पहले क्या लिखा जाता था, पहले के जमाने में जो ग्रंथ लिखे जाते थे बिर्च के पत्तों में लिखे जाते थे, पाइन ट्री जो होता है, ठीक है। दिस फॉरेस्ट ऑल्सो शोस स्ट्रेटिफिकेशन एंड हैव एन अंडर स्टोरी ऑफ सैपलिंग शब एंड टॉलर्स प्रोमिनेंट ग्रेजर्स इंक्लूडिंग डियर, बिसन और रोडेंट्स जो होते हैं, आपके हिरण पाए जाते हैं, बिसन जो होता है वो सब पाए जाते हैं, ठीक है। रोडेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट, दे फीड ऑन द सीड्स, फ्रूट्स एंड ट्री लीव्स, ये रोडेंट्स एक टाइप का जानवर होता है जो इन सब चीज पे सर्वाइव करता है। उसके अलावा ब्लैक बियर्स आपके काले भालू होते हैं, रैकून्स, वाइल्ड कैट, वुल्फ्स, फैक्ट, ये आपको याद नहीं रखना है सिर्फ समझने के लिए, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ओक पाया जाता है, ट्री ओक जो आपका लकड़ी होती है, पीच की लकड़ी होती है, चेस्टनट ब्रिज जो पाए जाते हैं, इस टाइप के यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो इंडिया से रिलेटेड नहीं है। बोरियल और नॉर्थ कॉनिफेरस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसको हम लोग टैगा भी कहते हैं, क्या इसको कहते हैं, टैगा भी कहते हैं, ठीक है। टैगा में अगर बात करें तो दे एक्सटेंड एज ए कॉनिफेरस बेल्ट अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ ईस्ट यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया हमारा कौन सा वाला पार्ट हुआ, यूरेशिया हमारा पार्ट हुआ जो आपका यूरोप और एशिया से मिलता है, जैसे आपका रशिया जो है यूरेशिया का ही पार्ट है, यूरोप और एशिया का जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट है, ठीक है, जो आर्कटिक के नीचे आता है, ठीक है, आर्कटिक वाले जो टुंड्रा होता है उसके जो नीचे आता है उसी को हम लोग टैगा बोल देते हैं। देयर इज नो काउंटर पार्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज देयर इज नो लैंड एट दिस एल्टीट्यूड, एक्चुअली क्या होता है सदर्न हेमिस्फीयर में इस जगह पे पानी ज्यादा होता है, ठीक है, वाटर ज्यादा होता है, इसलिए बोल रहा है कि इसका जो है कोई काउंटर पार्ट नहीं है क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे लैंड ही नहीं है, इस लैटिट्यूड पर सिर्फ पानी ही पानी है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर पाते हैं कि टैगा जो होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ऐसा मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपका नॉर्थ कॉनिफेरस फॉरेस्ट या बर्जियल फॉरेस्ट होता है वो हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में कोई वही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ ओशियन है, कौन सा ओशियन है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लाइमेट यहाँ का क्या होता है, कोल्ड होता है क्योंकि आपका ये आपका आर्कटिक रीजन से मिलता है,
जनता लग रहा है, इसलिए यहाँ पे कोल्ड ज्यादा ठंड ज्यादा होगी, हार्श विंटर होगा, मीन एनुअल टेम्परेचर करीब आपका 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, और सॉइल जो होती है एसिडिक होती है एंड पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होती है, ठीक है। एसिडिक और पुअर इन न्यूट्रिएंट्स इसलिए होती है क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा स्नो रहता है, स्नो रहेगा न्यूट्रिएंट्स का आपका क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का आपका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, साइज रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ फ्लोरल फौरल की थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो कॉली फॉरेस्ट फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक एवरग्रीन ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड वूडी, यहाँ पे जो पौधे होते हैं वो मोस्टली एवरग्रीन का मतलब जैसे आपको बताया जा चुका था कि क्या होता है कि अलग अलग टाइम पर अपने पत्ते गिराते हैं, एक साल में 100 पेड़ है उसमें 50 पेड़ एक टाइम पे लगभग पत्ते गिरा के 50 एक टाइम पर, तो अगर एवरेज हम देखें तो हर टाइम ये हरा दिखता रहता है, ठीक है। तो इसमें ड्रॉट रेजिस्टेंस जो होता है क्योंकि यहाँ पे बाढ़ निकल आती है और वूडी भी होता है, अच्छी लकड़ियाँ पाई जाती है। कॉलीफेरस जो होता है जिसमें उस पर स्प्रूस फिर एंड पाइन ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद माफ कीजिए, इसके अगर एनिमल्स की अगर बात करें तो इस फॉरेस्ट में रेड स्क्विरल, लाल गहनियाँ होती है, डियर हिरन आपके हिरन्स होते हैं, बकरियाँ पाई जाती हैं, मूज मूज टाइप के जानवर पाए जाते हैं, इवन आपके कार्निवोरस जो होते हैं, ठीक है, जो आपके मांसाहारी जीव होते हैं वो भी आपके पाए जाते हैं, जैसे टेबल वुल्फ्स होता है, लिनक्स होता है, बियर भालू होते हैं, सब कॉमन बर्ड्स जिसमें आपके क्रॉस ब्रीड, थ्रो सिल्वर बर्ड्स, फ्लाई कैचर, फ्लाई कैचर का नाम सुना है आपने, इंडियन फ्लाई कैचर, इंडियन फ्लाई कैचर कहाँ का स्टेट बर्ड है आप कमेंट से समझ जाइएगा, ठीक है। रॉबिन एंड स्पैन इसी टाइप पाए जाते हैं, इनके नाम याद रखना आपको बस समझना है कौन सी कैच गैप होती है, अगर इसको हम मैप में थोड़ा देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल कौन सा एरिया हुआ कि जैसे आपका ये वाला एरिया, ये है इक्वेटर, ठीक है, ये है आपका प्यारा, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस एरिया में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है, बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, वहाँ पर आपका ट्रॉपिकल पाया जाता है। इसके बाद बात करें हम सब ट्रॉपिकल की, जस्ट उससे ऊपर थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल पाया जाता है, ठीक है, करीब 15 डिग्री के आसपास, 15 डिग्री से जस्ट ऊपर वाला एरिया जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल। उसके बाद बात करें टेम्परेट, टेम्परेट जो होता है आपका ग्रीन वाला ये एरिया देखिए आप, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये आपका आपका क्या कहते हैं यूक्रेन वाला एरिया जो हो गया, रशिया के नीचे वाले जो रशिया टूट के बाल्टिक जो कंट्रीज थी वो सब हो गई, ठीक, बाल्टिक कंट्रीज हो गई, तो ये सब हो गया, बाल्टिक और बालकन जो भी कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वो हो गए यहाँ पे। इसके बाद बलियर हो गया, बलियर आपका सबसे ऊपर वाला हो गया, आर्कटिक रीजन हो गया आपका, अलास्का हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, ये वाले सब एरिया हो गए। देखिए यहाँ पे साउथ में मैंने बात की थी कि यहाँ पे साउथ में आपका टेम्परेट नहीं पाया जाएगा, क्यों नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओशिन आपको बता रहा है यहाँ पे कौन कौन सा ओशिन पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस की, जस्ट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपका प्रीलिम्स वे का भी पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुआ था तो धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, बट लोग जो है फॉरेस्ट पे हमेशा डिपेंडेंट रहे, किस लिए, फ्यूल वुड जो होता है लकड़ी जला के खाना बनाने के लिए, ठीक है, इवन आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, वुड इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे आपका आपके बेड बनते हैं, चेयर बनती है, उनके लिए रॉ मटेरियल यहीं से प्रोवाइड होता है। इसके अलावा आपका माइनर प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि आपके सेंसर ऑयल्स होते, कोकोनट ऑयल होते हैं, जैतून का तेल होता है, ये सब होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं जड़ी बूटी को कहते हैं, रेजिन्स होते हैं, टर्पेंटाइन जो आपका आप यूज करते हैं उसमें पेंट बनाने में या पेंट को पतला करने में यूज करते हैं, सब घास मिलता है, कुछ जंगल से मिलता है। फॉरेस्ट आर होम टू अ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दिस ग्रेट रिचनेस ऑफ फ्लोरा एंड फौना विच हैव इवॉल्व ओवर इयर्स एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर, फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट उन लोगों को, सबको आपको हैबिटेट प्रोवाइड करता है, रहने की जगह प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, और आपको वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जिनको नेचर ने बनाया है उनको हम लोग वो प्रोटेक्ट करता है कौन, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हैव ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड रिजर्व ऑफ जेनेटिक डायवर्सिटी अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट को, आपको पता है कि कैसे रेगुलेट करता है, अगर प्लांट्स नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होगा तो आपका बारिश नहीं होगा, आपको ये चीज पता है क्यों, किस वजह से, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन की, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, डिफॉरेस्टेशन वैसे तो बहुत ब्रॉड टर्म है, डिफॉरेस्टेशन से उस तरह हम बोल देते हैं कि लकड़ी काटा जाता है उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे रिपीटेड लूपिंग कराया जाए या पेड़ गिराया जाए, इसमें फॉरेस्ट लीडर फॉरेस्ट की जो बहुत सारी चीज़ें उनको निकाल लिया जाए, ठीक है, ग्रेजिंग करा दी जाए, वहाँ पे चरवा दिया जाए, चीज़ों को खत्म कर दिया जाए, ट्रैपलिंग और सीडिंग करा दी जाए कि आपका जो वहाँ पे क्या कहते हैं सीड गिरते हैं उनको हटवा लिया जाए, तो उन सबको मतलब ऐसी कोई भी चीज जो पेड़ को पनपने दे देगी, सिर्फ काटना ही होता है, जो पेड़ को पनपने भी ना दे उसे रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो एट द रिमूवल और डैमेज ऑफ वेजिटेशन, या तो आपने रिमूव कर दिया या तो वेजिटेशन जो वहाँ पे होने वाला है उसको डैमेज कर दिया,
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि डिफोरेस्टेशन कहते हैं, जो नेक्स्ट मतलब नो लॉन्गर सपोर्ट फॉर दैट, ऐसी हमें ऐसी चीजें बना देना इंसान द्वारा, ऐसी चीजें बना देना जिससे वहां पे कोई नेचुरल फ्लोरा फॉर, वहां पे कोई और पेड़ ना उग पाए, वहां कोई जानवर सर्वाइव ना कर पाए, उसे डिफोरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अब लॉस ऑफ ट्री कवर, ठीक है, ट्री कवर मतलब पेड़ काट देते हैं तो ट्री कवर कम हो जाता है। लैंड दैट इज परमानेंटली कन्वर्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट, आपके इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए या आपका जो टेरेस्ट्रियल एरिया बढ़ाने का, पेड़ काट के वहां पे घर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर पास पेस्टर आपको वहां पे क्या काट के आप जानवरों के चारागाह बना देते हैं, डेजर्ट बना देते हैं आप काट काट के, ह्यूमन सेटलमेंट बना देते हैं, ये होता है सब डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मेन कॉज क्या है? फर्स्ट है एग्रीकल्चर। ठीक है, फर्स्ट एग्रीकल्चर की बात करें तो क्या होता है, इंसान का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड किसकी? फूड की। ठीक है, उतना फूड कहाँ से आएगा, इतनी तो जमीन है नहीं, तो क्या करेंगे, जो जंगल होंगे ना, जंगल को काट के क्या बना देते हैं वो लोग, जंगल को काट काट के ये लोग क्या बना देते हैं, फॉरेस्ट बना देते हैं, जंगल को काट के एग्रीकल्चर ग्राउंड बना देते हैं जहाँ पे लोग खेती करते हैं। पहला रीजन हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको स्लैश एंड बर्न कहते हैं, कई जगह पे स्लैश एंड बर्न होता है। एमपी में भी एक जगह पे ये होता है, कौन सी जनजाति करती है, कौन से ट्राइब जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है एमपी में, बताइए। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट में बहुत फेमस है आपको बताइए। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और वहाँ पर कुछ दिन खेती की जाती है, फिर वहाँ पर आग लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। डिमांड फॉर फायरवुड, आपका फायरवुड मतलब जलाने के लिए लकड़ी, या तो इंडस्ट्री के लिए जो लकड़ी होती है वो काटने के लिए, वो जंगल को जो काट देते हैं उसकी लकड़ियाँ यूज करने के लिए, बेचने के लिए, तो एक रीजन हो गया। अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, एक तो अर्बनाइजेशन के लिए मतलब आपका शहरीकरण जो किया जा रहा है, ठीक है, जंगलों को काट के वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रही है, या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, ठीक है, उनके लिए। फॉरेस्ट फायर, या तो जो फॉरेस्ट में फायर्स हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जंगल जल जा रहा है, तो ये सब रीजन होते हैं रिफॉरेस्टेशन का। मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें रिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या होता है, पहला तो क्लाइमेट डिपेंडेंस, क्योंकि आपका जो ट्री होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ट्री कैसे क्लाइमेट को मेंटेन करते हैं, क्योंकि रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स की रिसाइकलिंग करते हैं, इसके अलावा आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिसाइकलिंग करते हैं, इसलिए क्लाइमेट को बैलेंस करने में पेड़ का इंपॉर्टेंस होता है। जब हम पेड़ पौधे काट देते हैं, रिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, क्लाइमेट इंबैलेंस हो जाता है। इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग कॉमन सेंस है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि उसकी वजह से इंडस्ट्री लगा दे रहे हैं, सॉइल इरोजन, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, पेड़ की जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, जब पेड़ आप काट देते हैं तो मिट्टी जो होती है वो फिर बह जाती है, इसलिए सॉइल इरोजन हो जाता है। फ्लड्स सेम वही चीज है, पेड़ क्या होते हैं, पहली बात तो मिट्टी को बांध के रखते हैं जिससे कि आपका एक ऊंचा सतह बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि पेड़ जो बाढ़ आती है वो पेड़ों से टकराती हुई आती है, टकराने से क्या उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाएगी वो इतना ज्यादा नुकसान देख रही है जितनी आजकल की बाढ़ें कर रही है। ठीक है, उसके बाद बात करें वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन हो जाए, जैसे आप पेड़ पौधे काट रहे हैं वहां पर जो जानवर सर्वाइव कर सकते हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि हर जानवर का एक एडाप्टेशन होता है, वो एक जगह पर सर्वाइव कर सकता है, दूसरी जगह सर्वाइव करने के लिए टफ हो जाता है, एडाप्टेशन एडाप्टेशन हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन हो जाएगा, ये आपके इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन होते हैं। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें ग्रासलैंड्स की, ग्रासलैंड का मतलब कुछ नहीं होता, घास का मैदान होता है, क्या होता है, घास का मैदान। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ग्रासलैंड आर एरिया डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, दे ऑक्युपाई अबाउट 20% ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ सरफेस, ग्रासलैंड ऑकर बोथ इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन वेयर रेनफॉल इज नॉट एनफ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ट्री, मतलब ज्यादा भी बारिश नहीं हो रही, कम भी नहीं हो रही, इतनी बारिश हो रही वहां पर घास पैदा हो सकती है, ठीक है, लेकिन पेड़ पैदा नहीं हो सकते, तो उस जगह पर ग्रासलैंड होता है। ये दोनों जगह पे होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी होता है। ग्रासलैंड आर फाउंड इन एरिया हैविंग वेल डिफाइंड हॉट एंड ड्राई, वार्म एंड रेनी सीजन, वहां पर मतलब ठंड भी ठीक ठाक पड़ रही है, गर्मी भी ठीक ठाक पड़ रही है, और वहां पर क्या बारिश भी ठीक ठाक हो जा रही है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर कॉमनली कॉल्ड सवाना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आप लिख लीजिए, ट्रॉपिकल में जो पाए जाते हैं उनको सवाना कहते हैं, और ये आपका ईस्टर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया, इंडिया में जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया के ग्रासलैंड को हम लोग सवाना कहते हैं। ठीक है, सवाना कहते हैं इंडिया के ग्रासलैंड को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सवाना फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम स्कैटर्ड मीडियम साइज ट्रीज इन ग्रासलैंड, ठीक है, ये आपके पेड़ पौधे भी होंगे बीच में और बहुत सारी घास होगी। फ्लोरा एंड फौना की बात करें, यहाँ पे कौन कौन चीजें सर्वाइव कर सकती है, तो इसमें जो डोमिनेटिंग प्लांट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस मतलब सूखा भी नहीं पड़े वहां पे, इसलिए वो क्या करते हैं, रोक लेते हैं, क्योंकि ग्रास है
घास है, थॉर्नी ट्रीज होते हैं, कांटेदार पेड़ होते हैं, ठीक है, या तो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। अगर इसमें क्या होता है, बेजर्स पाए जाते हैं, फॉक्स मतलब आपकी लोमड़ी पाई जाती है, गधे पाए जाते हैं, जेब्रा पाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर बात करें तो गधे कहाँ पाए जाते हैं, आपका कच्छ वाले रीजन पे, ठीक है, गुजरात का जो रीजन है कच्छ, जो इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पाए जाते हैं। जेब्रा यहाँ पे पाए जाते हैं, एंटीलोप्स हिरण की प्रजाति ये पाए जाते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे चर सकती है, ठीक है, टू सपोर्ट डेयरी एंड लेदर इंडस्ट्री। ये लोग किस लिए काम आते हैं, आपके डेयरी दूध के लिए, ठीक है, दूध के लिए और लेदर के लिए, ठीक। ग्रासलैंड आल्सो सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रोडेंट एंड रेप्टाइल इंसेक्ट, यहाँ पे बहुत सारे सांप भी पाए जाते हैं, इसके अलावा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। तो अगर हम कुछ बात करें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, किस जगह पे घास को क्या नाम अलग नाम दिया गया, जैसे न्यूजीलैंड जो एरिया पड़ता है आपका, न्यूजीलैंड जो एरिया पड़ता है वहाँ पे कैंटेबरी कहते हैं घास को। ये पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में कहाँ की घास को क्या, ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड की ग्रासलैंड को कैंटेबरी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की ग्रासलैंड को डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका, डाउन ऑस्ट्रेलिया का अगर आप लोकेशन देखेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जो कहने का सबसे बड़ी कंट्री जो कहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया ही है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया किसको कहने लगते हैं, लेकिन ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है। ऑस्ट्रेलिया जो पड़ता है आपका डाउन से पड़ता है, सबसे नीचे पड़ता है, मैप में अगर देखेंगे आप ग्लोब में तो ऑस्ट्रेलिया का एरिया ही पड़ता है, तो डाउन से इस पर ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें वेनेजुएला, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में पड़ता है, उसको कहते हैं लॉस कहते हैं, ठीक है, लिनॉस कहते हैं। उसके बाद बात है साउथ अमेरिका में ही अर्जेंटीना और उरुग्वे, देखिए साउथ अमेरिका में आपका वेनेजुएला भी पड़ा था, आपका नॉर्थ साउथ अमेरिका पड़ता है, उससे थोड़ा नीचे अगर जाएंगे साउथ अमेरिका तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के घास के बारे में आपने सुने होंगे, उरुग्वे सुना होगा आपने, तो वहाँ पे पंपास कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, अगर पूरे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, उसको ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा, प्रेरीज कहा जाता है पूरे नॉर्थ अमेरिका, वेनेजुएला लिनॉस कहा जाता है, पंपास कहा जाता है, हंगरी में इसको पुस्टाच कहा जाता है, हंगरी यूरोप में आपका पड़ता है, यहाँ पे पुस्टाच कहा जाता है। अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में इसको सवाना कहा जाता है, ठीक है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इसको सवाना कहा जाता है। साउथ अमेरिका में सेल्वास कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, साउथ अमेरिका में इसको सेल्वास, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे पंपास, बट साउथ अमेरिका में पूछे तो सेल्वास। यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया में कहा जाता है स्टेपीज कहा जाता है, ठीक है, यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका में स्पीसीज कहा जाता है। टैगा कहा जाता है यूरोप और एशिया में, ठीक है, ये नहीं पूछेगा आपसे नॉर्मली। वेल्स कहा जाता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका में बहुत पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अफ्रीका में एक्चुअली इसको सवाना ही कहा जाता है, लेकिन साउथ अमेरिका जो आपका नीचे आ जाता है इक्वेटर के, तो यहाँ पे वेल्स कहा जाता है। और इंडिया में आपका ग्रासलैंड कह दीजिए या तो सवाना कह दीजिए, ठीक है, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करें डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हॉट एंड लो रेंज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो और बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होता है, हाई विंड वेलोसिटी होती है, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, इसलिए विंड की स्पीड बढ़ जाती है। देश को एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जैसे आपका अगर देखें तो इंडिया में कौन सी जो जगह है, इंडिया में वो जगह है रेगिस्तान, रेगिस्तान वाली जगह राजस्थान है, ठीक है, भुज जो आपका गुजरात वाला कुछ एरिया है, ठीक है, इन सब एरिया में क्या होता है, जो आपका वेस्टर्न इंडिया पड़ता है वहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पाया जाता है। ग्लोबली डेजर्ट ऑक्यूपाइड 1/7 ऑफ द अर्थ सरफेस, करीब 1/7 ऑफ अर्थ सरफेस का जो एरिया है वो डेजर्ट ने घेर रखा है। फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो यहाँ पर कैक्टी, एरेकिया, यूफोर्बिया, प्रिकली, पियर्स, इस टाइप के पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। डेजर्ट एनिमल की बात करें तो लोमड़ी पाई जाती है, वुड रैट पाई जाती है, रैबिट्स पाए जाते हैं, कैमल्स पाए जाते हैं आपकी, और गोट्स जो होती है बकरियाँ आपकी पाई जाती हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं पूछे कौन से जानवर कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा फौना कहाँ पाया जाता है, फौना कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ठीक है, रेकिया इसमें पूछ लेता है, इसको ध्यान रखिएगा। कैक्टस आपका पता ही, आपको कैक्टस बात करनी होता है। डेजर्टिफिकेशन की अगर बात करें, ठीक है, जैसे आपने फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन की बात की, तो डेजर्ट में हम बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन की, ठीक है, जो आपका डेजर्ट के अपोजिट होता है, मतलब डेजर्ट बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है, मतलब जो चीज़ कंडीशन है उसको डेजर्टिफिकेशन बोलेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज डीमिनरलाइजेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द लैंड विच कैन यूटिलाइज लेट अल्टीमेटली लीड टू डेजर्ट लाइक कंडीशन। ऐसी कोई कंडीशन या आपका अर्थ को ऐसी इस तरह से बना देना, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बायोलॉजिकल पोटेंशियल, बायोलॉजिकल पोटेंशियल मतलब आपका फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना को सर्वाइव करने की कंडीशन,
फ्लोरा एंड फौना को सर्वाइव करने की जो कंडीशन होती है उसमें ना रह जाए उसी को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। द अरिड एंड सेमी एरिड एरिया वेयर द क्लाइमेट इज ड्राई रिस्टोरेशन वेरी लो माइनिंग एंड ओवरग्रेजिंग एड टू सेवरल ओवर डिजर्टिफिकेशन। देखिए ये कंडीशन किसी तरह सकती है, दो तरह से डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, एक नेचुरल डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, एक होता है मैनमेड जो इंसान लोग करते हैं। आपका नेचुरल में क्या जाएगा, नेचुरल में आ जाएगा किसी वजह से कि आपका उसका लोकेशन ऐसा है कि यहाँ पे बारिश नहीं हो पा रही, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका अरावली हिल है, देखिए अरावली हिल पर जाता है जो मानसून आता है आपका, ठीक है, आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून की बारिश होती है, जो मानसून आता है वो इसके पहला निकल जाता है, ठीक है, पहला निकल जाएगा तो बारिश नहीं हो पाएगी, उसका लोकेशन ऐसा है कि अरावली हिल है उसको हटा नहीं सकते, तो वो नेचुरल हो गया। लेकिन मैन मेड क्या होगा, मैन मेड आपने ओवर ग्रेजिंग कर दी, वहाँ पे बहुत सारा आपने क्या किया, वहाँ के चारा के जो था ग्रास लैंड सबको या पेड़ रहा उसको काट दिया आपने, वो कर दिया है, वहाँ पे माइनिंग करने लगे आप, वहाँ पेड़ों को काट के आप वहाँ पे इंडस्ट्री बनाने लगे, तो ये सब रीजन जो होते हैं वो डिजर्टिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद लास्ट हम पढ़े टुंड्रा, ठीक है, टैगा आपने पढ़ लिया, हम टुंड्रा पढ़ेंगे। द थर्ड द वर्ड टुंड्रा मीन्स बैरन लैंड, इसका मतलब ये होता है बैरन लैंड मतलब खाली जमीन, बैरन मतलब होता है खाली, तो खाली जमीन का मतलब होता है टुंड्रा। सिंस दे आर फाउंड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर एनवायरमेंटल कंडीशन आर वेरी सीवियर, ठीक है, जिसमें आपका आर्कटिक आता है अल्पाइन आता है, दो जगह, ठीक है, ऐसी कंडीशन जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, आपका आर्कटिक सबसे ऊपर वाला जो एरिया हो गया आपका ग्लोब में, आर्कटिक ओशन वाला एरिया हो गया आपका, ठीक है, आर्कटिक और अल्पाइन वाला एरिया। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो आर्कटिक टुंड्रा एक्सटेंड एज ए कॉन्टिन्यूस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप एंड अबव द ट्री लाइन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब जहां से पेड़ पौधे एकदम खत्म हो जाए और पोलर आइस कैप मतलब आपका पोल वाला एरिया, नॉर्दर्न पोल वाला एरिया जहाँ पे आपका आइस जब स्नो जम जाती है, तो वो वाला एरिया जो होता है आपका आर्कटिक टुंड्रा कहते हैं। इट ऑक्यूपाइज द नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ कैनेडा, ठीक है, कनाडा के ऊपर वाला एरिया, अलास्का, यूरोपियन रशिया, साइबेरिया एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ द आर्कटिक ओशन में जो आइलैंड पड़ते हैं उसके आसपास। ऑन द साउथ पोल अंटार्कटिका टुंड्रा इन द साउथ पोल इज वेरी स्मॉल सिंस मोस्ट ऑफ द इज कवर्ड बाय द ओशन, साउथ पोल अंटार्कटिका में टुंड्रा थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अल्पाइन टुंड्रा ऑकर इन हाई माउंटेन्स ऑफ द ट्री लाइन सिंस माउंटेन्स आर फाउंड एट ऑल एल्टीट्यूड देयरफॉर अल्पाइन टुंड्रा सूट डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन, एक्चुअली अल्पाइन टुंड्रा किसको बोल दिया, इन्हीं एरिया पे या हाइट पे जो होंगे, देखिए दो चीज़ होती है, एक आप अगर पोल के साइड चले जा रहे हैं, ठीक है, आप पोल के साइड चले जा रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर माइनस होता है, उसी तरह अगर हाइट पे आप चले जा रहे हैं किसी हिमालय के ऊपर चले जा रहे हैं 8848 किलोमीटर, ठीक है, 8850 मीटर तक आप पहुंच जा रहे हैं, तो वहां पर टेम्परेचर करीब माइनस में हो जाएगा, जो टेम्परेचर आपका आर्कटिक के आसपास ही होता है, तो वही बोल रहा है कि अल्पाइन टुंड्रा वो होता है जो हाई माउंटेन्स पे हो जाता है अबव द ट्रेल लाइन सिंस माउंटेन्स आर फाउंड एट ऑल एल्टीट्यूड देयरफॉर अल्पाइन टुंड्रा सो डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन, तो वही बोल रहा है कि अल्पाइन टुंड्रा ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आर्कटिक में हो, किसी भी जगह पे ऐसी हाइट पे जहां का टेम्परेचर जो होता है आपका आर्कटिक के बराबर हो जाए, तो वहां के जो आपके पेड़ पौधे होते हैं या आपका जो एरिया होता है उसको अल्पाइन टुंड्रा कह देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें आप फ्लोरा एंड फौना की थोड़ी बात करें, तो टिपिकल वेजिटेशन ऑफ द आर्कटिक टुंड्रा इज कॉटन ग्रास सेज ड्वार्फ हीथ विलो विलोस, ये विलोस वो लकड़ी होती है जिसका आपका क्या बनता है बैट, क्रिकेट बैट जो होता है विलो वुड का ही बनता है, ठीक है, बिर्चेस एंड लीचेस जो होते हैं। एनिमल ऑफ द टुंड्रा आर रेंडर मस्क ऑक्स आर्कटिक हेयर, इनका नाम आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनका क्या बोलना है कि मोस्ट ऑफ देम हैव लॉन्ग सैलिस आर्कटिक एंड आर्कटिक विलो हैज द लाइफ स्पैन ऑफ 150-300, यही बोल रहा है कि आर्कटिक विलो मैंने बात की ना, विलो जिस विलो वुड जिसके आपके बैट बनते हैं इसलिए इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, 150-300 साल की एज होती है। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द चिल बाय द प्रेजेंस ऑफ थिक कटाइल एंड एपिडर्मल है, देखते हो उनकी बॉडी में ज्यादा आपके क्या होते हैं रेशे होते हैं फर होते हैं। मैमल ऑफ द टुंड्रा रीजन हैव लार्ज बॉडी साइज एंड स्मॉल टेल एंड ईयर्स ऑफ टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द उनकी जो होते हैं कि आपका उनकी जो पूछ होगी वो छोटी होगी, ठीक है, और कान भी छोटे होंगे, जिससे क्या होता है कि कोई हीट जो निकलता है बॉडी से वो उतना ना निकल पाए, जितना बड़ा शरीर उतना हीट निकलेगी, ठीक है, शरीर बड़ा होता है इससे ज़्यादा हीट स्टोर कर पाते हैं, लेकिन निकलने के लिए थोड़ी जगह को मिलती है। द बॉडी इज कवर्ड विद द फर ऑफ फ्लैंजुलेशन, उनकी बॉडी पे फर होते हैं। इंसेक्ट्स हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड आर कॉम्पिटिटिव ड्यूरिंग द फेवरेबल पीरियड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो ये आपका फ्लोरा एंड फौना की यहाँ पे बात हो गई। आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, कॉन्फिडेंस वन।